बात आपके बीच में कहना चाहता हूं। अच्छा हुआ कि इस कोरोना की अफवाह से हमारे कुछ लोग रुक गए, क्योंकि जिस तरह की तैयारी हम लोगों ने बनाई, और अगर ये अफवाह काम नहीं करती तो वो हमारे अधिवक्ता साथी बैठते कहां। मैं तो इतनी देर से बैठकर जैमिनी साहब यही सोच रहा हूं, अब अचानक टेंट नहीं लगते कल साहब, क्योंकि कार्यक्रम की जो तैयारियां जिस रूप से होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। साथियों, आज के कार्यक्रम के विषय पर आते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको संगठन और जो आज का विषय है उसके संदर्भ में रखूंगा। टेक्निकली जो हमारे लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं, उस लीगल कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमारे बहुत सारे अधिवक्ता साथियों के साथ साथ हमारे बीच में आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल डिप्टी एडवोकेट जनरल नैनीताल हाईकोर्ट, उन्होंने अपनी बात को बहुत ही सारगर्भित तरीके से हमारे बीच में रखा। हमारे लिए एक सवाल है, और वो सवाल ये है विषय पर आने से पहले कि हम लोगों ने आम लोगों की तरह अपने अपने जिले में ही बैठकर संविधान दिवस की बधाई या कैंडल जलाकर उस कार्यक्रम का आयोजन क्यों नहीं कर लिया। ये हम लोगों ने जहमत उठाई और हम लोगों ने अपने साथियों को भी कष्ट दिया, और इतना जबरदस्त कष्ट दिया कि 26 तारीख तक वो मुझसे कहते रहे सर आना पड़ेगा क्या। मैंने कहा कौन आएगा मुझे ये नहीं मालूम है, मैं दिल्ली में आपके स्वागत के लिए पहुंच गया हूं। निश्चित रूप से मैं आपको इस कार्यक्रम की अभूतपूर्व सफलता पर एक बात कहना चाहता हूं। जो इंटरनली हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, स्टेट ऑफ यूपी में संगठन ने बहुत ही ज्यादा पब्लिकली भी काम किया। कोरोना के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन को लेकर का काम किया, और आज से 3 महीने पहले कोरोना शायद लगता भी था, उस दौरान हमारे साथियों ने भयानक उस कोरोना के काल में धरना प्रदर्शन, सांकेतिक धरना और डीएम्स को थ्रू रिप्रेजेंटेशन प्रदर्शन किया। उन दिनों कोई अधिकारी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था और अधिकारी मिलने की अनुमति नहीं देता था। इस भारत में केवल एक ही वो वर्ग है जिसका नाम काला कोट है, वही है भूतपूर्व काल। ये अभूतपूर्व काम करने वाले जो हमारे साथी हैं, उन साथियों का ये संगठन अगर है तो ये बात आपको शायद आज विश्वास हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने अंदर दिल की गहराइयों से इस बात का एहसास है कि जिस दिन हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के वो 30 वकील, जो उन्होंने कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर 20 इंजीनियर 30 वकील हो, उस समाज की ओर लोग उंगली तो छोड़ो आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। निश्चित रूप से जिस दिन हमारे पास और हमारे संगठन के पास डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के वो 30 वकील होंगे, इसका दूसरा अर्थ है फिर भारत के बहुजन समाज के लोगों को न्याय पाने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपके पास आकर पूछेंगे सर कोई गलती तो नहीं हो रही है हमसे, पूछेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, हम ही वो वर्ग हैं, हम अधिवक्ता ही वो वर्ग हैं जब लोगों की अकल और दिमाग खत्म हो जाता है और लोग पैसे लेकर आते हैं और कहते हैं थोड़ी सी अकल दे दीजिए।
क्लास में दूसरों को अक्ल देने का एकदम एक्स्ट्रा व्यवस्था हो और वो समाज यदि अपने समाज के लिए खड़ा होने का संकल्प ले ले तो क्यों कोई काम मुश्किल हो सकता है? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। लेकिन अभी वर्तमान में हमारे सामने जो समस्याएं हैं उन कुछ समस्याओं को ध्यान में रखकर अब मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। रिसेंटली हमने एक सब्जेक्ट लिखा इधर, क्या संविधान के अनुच्छेद 15 सर्कुलर 4 और 17 ने अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है? सभी लोगों ने कहा नहीं। इज इट क्लियर? और दूसरी भाषा में कहा यदि हां तो कैसे, और फिर आगे हमने लिखा यदि नहीं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन। हमें दो बातें मालूम है कि ये जो अंतिम लक्ष्य है ये प्राप्त नहीं हुआ। मैं अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ इसके बारे में केवल दो डॉक्यूमेंट्री बात कहकर अपनी बात को आगे बढ़ा दूंगा। वो दो डॉक्यूमेंट्री बात कौन सी है? जो भारत का संविधान है वो भारत का संविधान क्या कहता है वो बहुत वेरी शॉर्ट, आर्टिकल 15 सब प्लस 4 एंड 17 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।